इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट करंट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती, और क्या इंड्यूस करंट जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है या नहीं। तो हम दोनों फार्मूलाज लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो हमारे पास फार्मूला है वो बराबर होता है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इस फार्मूले में किसी भी जगह पर आप लोगों को जो है वो रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। और दूसरे नंबर पर अगर हम इंड्यूस करंट का फार्मूला लिखें तो ये आपके पास बराबर होता है ई ओवर आर के। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या है कि जो इंड्यूस करंट है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस के ऊपर, बल्कि इंड्यूस करंट जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है किसी इसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। किस तरह से डिपेंडेंस है कि अगर जो है वो आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देखूं आई और आर का, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ई, और ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, कॉस्ट। तो ये आपका बेटा जी 15.1 शॉर्ट क्वेश्चन था। समराइज अगर इसको करना चाहें तो हमारे पास ये इसका आंसर होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और जो इंड्यूस करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और इंड्यूस करंट का जो रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ वो क्या है, इनवर्स, कि इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है 15.2। A square loop of wire is moving through a uniform magnetic field. The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is an EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. तो बेटा जी हमने यहाँ पर अगेन लिखा 15.2। तो 15.2 के मुताबिक आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपका लूप जो है, लूप एरिया जो है वो पैरेलल है किस चीज के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपने ये बताना है कि क्या आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी या नहीं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फार्मूला है ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ही आपके पास बराबर होता है किस चीज के, डेल्टा बी डॉट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब यहां पर वो कहता है कि जो ए है और जो बी है वो इस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं कि उनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड और लूप एरिया जब ये दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा, जिस तरह से अगर हम बात करें कि ये मैंने कह दिया आपका एरिया है और ये मैंने कह दिया कि आपकी फील्ड है, तो ये एरिया और ये फील्ड जब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो हमारा किसी भी तरह का कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जहां फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वहां इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी। तो इसमें बेटा जी आप लोगों ने जो रीजन देनी है वो क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या होता है, जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो इंड्यूस ईएमएफ का आंसर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बेटा जी आप लोगों का जो है वो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड वन हमारे पास है कि लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट व्यूड फॉर अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। अब बेटा जी इसको जरा समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है 15.3। इसमें बेटा जी आप लोगों को इस तरह से जो है वो एक मैग्नेट दिखाया गया है कि ये इस मैग्नेट का जो है वो नॉर्थ पोल है अपवर्ड, और नीचे जो है वो क्या है जिसका साउथ पोल है, और यहां पर आपसे कहा जाता है कि जी एक रिंग है और वो रिंग जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिंग जो है वो आपके पास मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपने ये बताना है कि जो रिंग आपके पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है इस रिंग में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बेटा जी हमने एक बात पढ़ा है, लेंजेस लॉ हमें क्या बताता है, लेंजेस लॉ हमें ये बताता है कि जब किसी सर्किट में या किसी क्वाइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस करंट होता है, और वो इस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो कि अपोज कर सकती है किसको, उसकी मोशन को जिसने उसको कॉज किया है। अब अगर मैंने कहा ये लूप डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो अगर इसमें मेरे पास करंट होगा एंटी, यहां पर मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी
वो यहाँ पर है जी, when the ring is falling, there is a change of magnetic flux through the ring and induced current in it. The induced current in the ring should oppose the cause that produce it. The magnetic field produced by the induced current in the ring will oppose the motion of the ring towards the bar magnet. So by right hand rule, current will be in clockwise direction. अब बेटा धीरे से सुन ले कि clockwise direction में क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने कहा ये loop downward आ रहा है, तो downward आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो current की direction है वो clockwise है, और clockwise का मतलब क्या है कि अगर current की direction इस तरफ होगी तो या इस एंड के ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, कि इस कॉइल में करंट की वजह से क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ. तो इसका मतलब है इसमें करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, क्लॉकवाइज. अगर ये लूप डाउनवर्ड आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज. अगर ये लूप अपवर्ड जा रहा होगा तो इसमें हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसने लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट ने अपनी कॉज को अपोज करना है जिसने इसे जनरेट किया है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर. अब आपने एक फिगर जो है वो आप लोगों को बताई गई है, और आपसे ये कहा गया है 15.4 में कि आपने ये बताना है, जिस तरह से ये दो कॉइल्स आपके पास मौजूद है और आपसे कहा जाता है कि आपने ये बताना है कि इन कॉइल्स में जो करंट है उनकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगी. जिस तरह से एक कॉइल आपके पास ये है और एक कॉइल आपके पास ये है, इस कॉइल के साथ बेटा जी आपने बैटरी लगाई हुई है, हमने कह दिया नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस तरह से बेटा जी आपने ये बैटरी लगा दी. अब हमने यहां पर देखना है कि हमारे पास यहां पर जो कॉइल्स मौजूद हैं उन कॉइल्स की वजह से जो हमारे पास करंट होगा वो क्या होगा, अगर सर्किट ओपन है और अगर आपने इसको क्लोज किया हुआ है. हमने यहां से इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने कह दिया जी हमारे पास गैल्वेनोमीटर है. यहां पर हमने एक स्विच एस लगा दिया है. अब आपसे पहले ये कहा जाता है कि आपने क्या करना है जी, इस स्विच एस को क्या करना है जी, क्लोज. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मौजूद है ये उसका नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल. अब जब आप इस स्विच एस को क्लोज करते हैं, जब इस स्विच एस को क्लोज करेंगे तो इस जो सेकंड कॉइल है जिसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया उसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो अगर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर फील्ड लाइन्स बढ़ रही है. तो जब यहां पर फील्ड लाइन्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और यहां पर क्या बनेगा, साउथ पोल. अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कब बनता है कि जब इसमें करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल. और जब आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे, जब आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो ये जो नॉर्थ पोल था ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और दूसरे एंड के ऊपर क्या चला जाएगा, नॉर्थ पोल. क्योंकि अब वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अब फील्ड लाइन यहां से कम हो रही हैं, तो ये वाला जो कॉइल है ये क्या करेगा, उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो ये अट्रैक्ट की सूरत में कर सकता है जब यहां पर क्या बनेगा, साउथ पोल. तो जब आप इसको क्या करेंगे, एस को क्लोज करेंगे तो यहां नॉर्थ पोल और दूसरे एंड के ऊपर साउथ पोल, और जब आप इसको दोबारा से ओपन करते हैं तो यहां पर साउथ पोल और यहां पर नॉर्थ पोल. और ये भी हमें कैसे पता चलेगा, लेंज़ लॉ की मदद से जो है वो हमें ये पता चलेगा. अब इसके बाद है जी, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ 15.5, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स और नॉट. तो इसमें हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग अगर तो फ्लक्स बढ़ने की कोशिश करेगा, जिस तरह से हमने यहां पर है कि यहां फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये वाला इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी कि ये उस फ्लक्स को क्या करने की कोशिश कर रहा था, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन दूसरे केस में जब फ्लक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसने उसको बढ़ाने की कोशिश की है. तो आंसर बेटा जी इसका क्या है कि हमेशा ये फ्लक्स को डिक्रीज नहीं करता. अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. तो इसका आप आंसर जब आपने लिखना है तो आंसर इसका बेटा जी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेगा. तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अपोज द कॉज, ठीक है, अपोज द चेंज, यानी कि जो भी चेंज है इसने क्या करना है, उसको अपोज करना है. बढ़ रहा है तो कम करना है, कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना है. नेक्स्ट बेटा जी आप लोगों के पास है, हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप. तो बेटा जी अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में, नेक्स्ट आपके पास 15.6 था, इसमें बेटा जी आप लोगों ने यह बात देखी कि अगर लूप
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस तरह से मूव करें कि उनमें किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, जिस तरह से हम कह देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होगा, जीरो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, जीरो, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जब ये जीरो होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। सेम उसी तरह से जिस तरह से बेटा जी आप लोगों ने ये 15.2 किया है, इसका आंसर भी क्या है, सेम है 15.2 की तरह। 15.6 जो है, 15.8 जो हमारे पास, ये सॉरी 15.8 है, 15.8 जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है 15.2 की तरह। तो नेक्स्ट आपके पास है 15.9। In a certain region, the Earth's magnetic field points vertically downward when the plane flies due north, which wingtip is positively charged. अब जरा ये बेटा समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा typical question है 15.9। आपसे कहा जाता है कि इस तरह से हमने बना लिया जी कि ये north pole है, ये south pole है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक plane जो है वो बना लिया है। हमने कहा जी ये plane हमारे पास इस तरह से है, ये इसके wings हैं। ये हमने एक प्लेन के जो है वो विंग्स बना लिए हैं। हमने कहा जी ये हमारे पास एक प्लेन है। अब यहां पर हमने देखना है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो क्या है जी, इन टू द प्लेन। क्रॉस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन टू द प्लेन। तो मुझे बताएं वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास ये है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और कर्ल किस तरफ आपने करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जिस तरह से ये वेलोसिटी आ गई, कर्ल किया आपने किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो, ये जो साइड होगी आपके पास वो कौन सी होगी, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास मौजूद होगा। तो यहां पर बेटा जी आप लोगों ने क्या लेना है, वेस्ट है और ये क्या है जी, ईस्ट है। तो बताएं इधर पॉजिटिव होगा तो इस एंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। दोबारा से सुन लें, हमने क्या कहा कि ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन, कर्ल आपने किया इस तरफ, तो ये वेलोसिटी है, कर्ल किया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये डायरेक्शन किस चीज को शो करेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को। तो फोर्स पॉजिटिव के ऊपर किस तरफ लग रही है, ये, तो ये पॉजिटिव और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी आप लोगों के पास है, और इसके लिए आप फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फार्मूला एफ इक्वल टू प्लस माइनस ई वी क्रॉस बी के लिए। तो जो फार्मूला, यानी कि आपने V की डायरेक्शन में फर्स्ट एंड को रखना है, कर्ल करना है B की तरफ, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगनी है वो किस तरफ लगेगी, वेस्ट की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, ईस्ट की तरफ। इसके बाद बेटा जी 15.10 है, शो दैट E एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट्स। अब आप लोगों ने इसमें यह प्रूव करना है 15.10 में कि जो E है और ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है Have same units. अब बेटा जी इनको प्रूव कर लेते हैं कि इनके यूनिट्स क्या हैं सेम। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेटा जी आपके पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको जो है वो आप ई भी कह सकते हैं, और ये बराबर होती है किस चीज के, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू के। और वर्क डन है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जाउल, और चार्ज है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाउल पर कूलम। तो ये बेटा जी E का आपके पास यूनिट आ गया जौल पर कूलम, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का आंसर आपके पास क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो उसके लिए बेटा जी दो फार्मूले आप लोगों को यहां पर लगाने पड़ेंगे, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से। अब बेटा जी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, राइट हैंड साइड की बात कर ले, फाई जो है वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। तो दिस इज बी डॉट ए ओवर डेल्टा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपके पास होता है टेस्ला, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये आपके पास हो गया जी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। टेस्ला आपके पास बराबर होता है न्यूटन, टेस्ला की अगर हम बात कर लें, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और आगे क्या, यहां पर क्या पड़ा हुआ है मीटर स्क्वेयर, और नीचे क्या पड़ा हुआ है सेकंड। तो ये वाला मीटर इस मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब बेटा जी जरा देख लिया आप लोग आगे क्या बचा, न्यूटन, इसके नीचे बचा जी एम्पियर, और साथ बच गया जी ऊपर मीटर, और साथ आ गया जी यहां पर सेकंड। अब जरा आप लोग देखें कि इस एम्पियर को जो है वो आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर जो है करंट का यूनिट होता है, और ये किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसको अगर मैंने लिखना हो तो क्या आ जाएगा जी न्यूटन, इसकी जगह आ जाएगा जी चार्ज के लिए कूलम पर सेकंड,
और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है मीटर और डिवाइड में सेकंड, ये वाला सेकंड इस सेकंड से कट गया तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ओवर कूलम, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जाउल के और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जाउल पर कूलम, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। अब आप लोग देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड थी जाउल पर कूलम और ये राइट हैंड साइड है ये भी क्या है जाउल पर कूलम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आपके पास है जी इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करें एरिया भी चेंज करें लेकिन अगर आप उन दोनों को इस तरह से चेंज करें कि फ्लक्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर आप बी भी चेंज करें ए भी चेंज करें और देखें कि फ्लक्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ किसी भी तरह की कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। तो ये आप लोगों का 15.13 शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें भी यानी कि इसका मतलब है 15.2, 15.8 और 15.13 ये तीनों क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सिमिलर है। तो बेटा जी ये आप लोग के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप लोग इंशाल्लाह वेट करें, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द हम अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।